हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो मेरा टॉपिक है वो है कन्वेयर। कन्वेयर को आप सब लोग जानते होंगे, हर इंडस्ट्री में आजकल कन्वेयर का इस्तेमाल किया जाता है मटेरियल हैंडलिंग के लिए। कन्वेयर क्या होता है, इसको आप इस शब्द को तोड़कर जान सकते हैं कन्वे। कन्वे का मतलब क्या होता है, लाना ले जाना। यानी एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है कन्वेयर, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो कन्वेयर में हमको कौन कौन से सेफ्टी मेजरमेंट्स देखने होते हैं, कन्वेयर में हमें कैसे काम करना होता है कन्वेयर के साथ, ये सारी चीज़ें आज मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कन्वेयर कैसा होता है, किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कन्वे का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीजों को पहुंचाना। कन्वेयर पे क्या होता है, दोनों साइड रोलर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, रोलर। देखिए, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो इसके सेफ्टी मेजरमेंट्स को भी समझ जाएंगे। फिर इसके ऊपर क्या होता है, एक बेल्ट लगी हुई होती है। क्या होती है, एक बेल्ट लगी हुई होती है, जिसकी ये क्या है हमारे रोलर, जो कि किसी मोटर से ऑपरेटेड होते हैं। और यह है हमारी कन्वेयर बेल्ट। ये क्या है, कन्वेयर बेल्ट। अब देखिए क्या होता है, जब ये मोटर से रोलर को ऑपरेट किया जाता है, तब ये दोनों इस बेल्ट को मूव कराते हैं। इसी समय हमारा सामान क्या होता है, इस पर रखा जाता है। यहाँ से जब हम सामान रखते हैं, जैसे कि आप गए होंगे मेट्रो स्टेशन पे या फिर बहुत सारी जगह पे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी आपको कन्वेयर मिल जाता है, जिसमें कन्वेयर की मदद से आपके सामान की स्क्रीनिंग करते हैं। बीच में मशीन लगी होती है और उसमें एक कन्वेयर लगा होता है, आप एक तरफ सामान रखते हो और वो दूसरी तरफ पहुँच जाता है आपके साथ साथ। तो वही क्या है, हमारा कन्वेयर है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक मैकेनिकल हजार्ड कैसे क्रिएट होता है। इसमें जब हम साथ साथ काम करते हैं तो कई सारी इंडस्ट्री में आया, ये आइडेंटिफाई किया गया है कि इस रोलर में या तो वर्कमैन के कपड़ा फंस गया, क्लोथ्स, वर्कमैन का हाथ फंस गया, या किसी अदर कारण, बेल्ट के टूट जाने की वजह से या फिर अलग कारणों की वजह से क्या होता है, ये हमको इंजर्ड कर देता है। तो कन्वेयर के साथ हमें कैसे सेफली वर्क करना है, तो जो पहला पॉइंट है हम इसमें बताते हैं कि कन्वेयर में हमेशा बेल्ट के दोनों तरफ क्या लगा होना चाहिए, पुल गार्ड। बेल्ट के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी क्या लगे होने चाहिए, पुल गार्ड लगे होने चाहिए। दूसरा इसमें पॉइंट है, कन्वेयर के सभी भाग जैसे कि ड्राइव है, टेल है, इनमें गार्डिंग सिस्टम प्रोवाइड किया गया हो। क्या प्रोवाइड किया गया हो, गार्डिंग सिस्टम दिया गया हो। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि इसके दोनों तरफ के, इधर का रास्ता और इधर का रास्ता, दोनों ही रास्ते कैसे क्लियर होने चाहिए, कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसमें बेल्ट में फंस सके या फिर बेल्ट उसको अपनी तरफ खींच सके। और इसमें कभी भी ढीले, यानी जब आप कन्वेयर के साथ काम कर रहे हैं तो आपको कभी भी ढीले कपड़े नहीं पहनने हैं। क्या नहीं करना है, ढीले कपड़े नहीं पहनने। क्यों नहीं पहनने, क्योंकि आप रोलर में या फिर बेल्ट की चपेट में आ सकते हैं। हमेशा जब भी कोई कन्वेयर स्टार्ट रहता है तो वो हमेशा क्या करता है, एक बीप या एक सायरन बजाता है। अगर स्टार्ट करते टाइम जब हम इस कन्वेयर को स्टार्ट करते हैं तो एक सायरन या एक बीप बजाता है। अगर हम स्टार्ट करते वक्त इस आवाज को नहीं सुनते हैं तो इसका मतलब होता है कि कन्वेयर में कोई ना कोई फॉल्ट है और हमें अपने सुपरवाइजर को तुरंत बताना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम क्या करते हैं, कभी कभी ये देखिए मटेरियल हैंडलिंग के लिए बना है, किसके लिए, ये ह्यूमन हैंडलिंग के लिए नहीं बना है। यानी कभी इंसान को कन्वे नहीं करना है इस पे लाद के, क्या करना है, मटेरियल को। तो हमेशा क्या करना है, कभी भी चलते कन्वेयर पे हमें क्या नहीं करना है, इसको कूद कर पार करने की कोशिश या इस पे खड़े होकर यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, कभी भी अगर इमरजेंसी हो तो चलते हुए बेल्ट को रोकने के लिए जो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, पुल कार्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पुल कार्ड। पुल कार्ड क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक
कार्ड लगा होता है, एक पुल कार्ड यहाँ लगा होता है। आपने देखा होगा कि जब आप एस्केलेटर का इस्तेमाल करते हैं मॉल वगैरह में जब जाते हैं तो उस लिफ्ट में एक बटन होता है, इस तरीके से एस्केलेटर होता है दोनों तरफ, ये भी एक कन्वेयर है। यहाँ पे क्या होता है, एक बटन लगा होता है, जब मान लीजिए कोई यहाँ पे इमरजेंसी हो गया, किसी का पैर फंस गया या कुछ, तो उसको दबाकर पुल करके या फिर पुश करके हम क्या करते हैं, उस मशीन को रोक देते हैं, उस कन्वेयर को रोक देते हैं। तो यहाँ पे दोनों ओर साइड क्या लगा होता है, यहाँ पे आपका पुल कार्ड लगा होता है। नेक्स्ट इसमें आता है कि कभी भी हमें इसका अगर मेंटेनेंस करना है तो कभी भी इसकी चालू अवस्था में बेल्ट को उतारना या फिर चालू अवस्था में इसके साथ कुछ मरम्मत करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ये नया हजार्ड को पैदा करते हैं, तो कभी ऐसा ना करें। ऑथराइज्ड जो इसका मैकेनिक है उसी से इसका मेंटेनेंस कराएं, और जब तक वो इंश्योर ना कर दे कि ये मशीन अब आपके काम के लिए बिल्कुल तैयार है, उसका सर्टिफिकेट, उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड ना करा दे, तब तक हमें इस कन्वेयर पे कोई भी काम नहीं करना है या इसको ऑपरेट नहीं करना है। कभी भी जब चालू हो या फिर कन्वेयर स्टार्ट हो तो हम क्या करते हैं, हाउसकीपिंग वाले यहाँ पे कपड़ा रखा और उसको दबा लिया हाथ से और ये कन्वेयर चल रहा है, जिससे कि पूरी बेल्ट साफ हो गई। यानी चलते हुए कन्वेयर पे कभी भी क्लीनिंग का भी काम हम नहीं कर सकते हैं, इसको बंद अवस्था में ही करना है। और देख लें इसको स्टार्ट करने से पहले कि कन्वेयर के दोनों साइड जो ड्रम्स लगे होते हैं, जो गार्ड लगे होते हैं, जो पुल गार्ड है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हमको देखनी होती हैं। और बेल्ट के साथ साथ, यानी बेल्ट के जो साथ साथ जाने वाले रास्ते हैं वो क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, साफ होने चाहिए। और इसका देखिए इसमें क्या होता है, एक अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट किसे कहते हैं, ये बैलेंस करता है चीजों को, मतलब इस बेल्ट, इस रोलर और इस रोलर से जो बेल्ट चल रही है इसका अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा तो इसका SWL भी कम हो जाएगा, इसका जो मूवमेंट का वे है वो भी चेंज हो जाएगा, इसमें ऑब्स्टेक्शंस बढ़ जाएंगे, ये चीज़ों से चिपक के टकरा कर या कैसे भी चलने लगेगा, जिससे ये खराब भी होगा और एक नई इंजरी को क्रिएट कर सकता है, वहाँ पे एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। इसीलिए उसको अलाइनमेंट को भी देखें कि वो प्रॉपरली ठीक है या नहीं ठीक है। इसके लिए जो ऑपरेटर है, जो ऑथराइज्ड ऑपरेटर है, उसी से ऑपरेट कराना चाहिए। बाकी PPEs वगैरह ये सारी सेफ्टी प्रोसीजर आप जानते हैं, तो कन्वेयर का जो भी छोटा छोटा पॉइंट्स था या हम कन्वेयर के साथ कैसे सेफली काम करेंगे इनको मैंने बता दिया, कन्वेयर के कुछ पार्ट्स बता दिए। मुझे उम्मीद है कि कन्वेयर टॉपिक के लिए सुरक्षा नियमों में क्या देखने चाहिए, कैसे काम करने चाहिए आप भली भांति समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कमेंट्स भी डालें, जिससे कि मुझे आगे की चीज़ों को पता चले कि कैसे टॉपिक्स को आप पसंद कर रहे हैं और किस तरीके की कंटेंट आपको चाहिए। और अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।